सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। अपने इस चैनल पे, अपने इस सेशन में जहाँ डेली द हिंदू ट्यूटोरियल के वर्ड मीनिंग हम देखते हैं, उसमें आपका स्वागत करते हैं। तो आज के एडिटोरियल देखेंगे और इसमें एडिटोरियल से चूज किए गए कुछ वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स देखेंगे और कुछ वर्ड्स के साइनोनिम्स और हिंदी मीनिंग तथा एडिटोरियल से चूज किए गए कुछ वर्ड के इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हम यहां पर देखेंगे। तो यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। एडिटोरियल वोकैब्स 1 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो देखते हैं आज के एडिटोरियल। और यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, SSC CGL CHSL CPO स्टेनो MTS CDS NDA एयरफोर्स नेवी बैंकिंग किसी भी एग्ज़ाम के जिसमें कि इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं। तो शुरू करते हैं, आज के एडिटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। आज का एडिटोरियल आज 10 अगस्त 2021 को, द RBI शुड नॉट अंडरमाइन इट्स ऑन क्रेडिबिलिटी बाई डिलेइंग स्टेप टू रेन इन्फ्लेशन। इसी पे बेस्ड यह आर्टिकल था और इसी से सारे वर्ड मीनिंग हमने चूज किए हैं। तो इस चूज वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं और आज का फर्स्ट वर्ड मीनिंग देखते हैं, डिसइंगेजमेंट। इट मीन्स कि द एक्शन और प्रोसेस ऑफ विड्रॉइंग फ्रॉम इन्वॉल्वमेंट इन एन एक्टिविटी। जैसे कि कोई एक्टिविटी में संलग्न हो, कोई कार्य में मतलब बिजी हो और उससे उसको हटा दिया जाए, उस प्रोसेस को कहते हैं हम डिसइंगेज। इंगेज यानी कि व्यवस्थित होता है किसी कार्य में बिजी रहना, और डिसइंगेज यानी उसका एंटोनिम हो जाएगा, यानी कि कार्य में बिजी है तो उसे हटा दें। नेक्स्ट सेकेंड नंबर वर्ड है अनइजी, और यह SSC का पूछा हुआ वर्ड है। SSC में पूछा गया था अनइजी, इट मीन्स कि चिंतित, जो व्यक्ति चिंतित परेशान रहता है किसी कारण से, कोई रीजन की वजह से, तो उसे कहते हैं हम अनइजी। साइनोनिम देखें तो वरिड, एनेक्सियस, ट्रबल्ड, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हो जाएगा, साइनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, यह एक फ्रेज है। जानते हैं कि अब एग्जाम में फ्रेजेस भी पूछे जाते हैं, एडियम्स एंड फ्रेजेस, तो ये फ्रेज उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। पुट इन, इट मीन्स इंटरप्ट इन ए कन्वर्सेशन और डिस्कशन, यानी कि कोई एक समारोह, सम्मेलन, कोई वाद विवाद चल रहा हो और उसको कोई इंटरप्ट कर दे, यानी कि उसमें बाधा पहुंचाए, उसको रोकने का प्रयास करे, तो उसी को कहते हैं पुट इन, फ्रेज से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है फोर नंबर, वायोलेंस। वायोलेंस काफ़ी इजी वर्ड है और कई कई बार किसी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका वर्ड है। वायोलेंस यानी कि उग्रता, हिंसा, जो भी जिसके मन में हिंसा की भावना हो तो उसी को कहते हैं वायोलेंस, और इसका एंटोनिम होता है डायरेक्ट नॉन वायोलेंस। और इसके साइनोनिम्स देखें तो फेरोसिटी, ब्रूटालिटी, रफनेस, ये सभी वर्ड जो तीनों वर्ड आपको दिख रहे हैं, फेरोसिटी, ब्रूटालिटी एंड रफनेस, ये पूछा हुआ वर्ड है। इट मीन्स कि हिंसा, हिंसा से संबंधित। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज टेम्पररली। इट मीन्स कि अस्थायी रूप से, टेम्पररली इट मीन्स कि अस्थायी रूप से, हमेशा के लिए नहीं, कुछ कार्य जैसे कि थोड़े से समय के लिए किया जाए, थोड़े से समय के लिए उसे लागू किया जाए, कोई नियम कुछ भी थोड़े से समय के लिए, तो उसी को कहते हैं टेम्पररली। साइनोनिम देखें तो फॉर द मोमेंट यानी कुछ क्षणिक समय के लिए, फॉर द प्रेजेंट यानी कि अभी के लिए सिर्फ। नेक्स्ट है फोर नंबर प्रिवेंट, सिक्स नंबर प्रिवेंट, प्रिवेंट यानी कि रोक देना, यह भी SSC में पूछा हुआ वर्ड है और अक्सर एडिटोरियल में यूज किया जाता है। प्रिवेंट यानी कि रोक देना, कोई कार्य कर रहा हो तो उसमें बाधा पहुंचाना, इसका एक वर्ड मीनिंग आता है बाधा पहुंचाना या फिर रोक देना, तो इसके सेंस में प्रिवेंट का यूज करते हैं। साइनोनिम देखें तो स्टॉप, हिंडर, एवर्ट, फेंड ऑफ, फेंड ऑफ फ्रेज यानी कि इसका मतलब भी रोक देना, और यह भी कई कई बार पूछा गया वर्ड है। नेक्स्ट है सेवन नंबर टेरेन, इट मीन्स कि निर्दिष्ट भूमि का प्रकार, जैसे कि एक टेरिटोरीज बनता है, टेरिटोरीज यानी इसका मतलब होता है कि जो एक क्षेत्र होता है जिसपे कि डायरेक्ट किसी का शासन चलता है, और उसी वर्ड से यह बना है टेरेन यानी कि निर्दिष्ट भूमि का प्रकार, इसलिए साइनोनिम्स में आप टेरिटोरी वर्ड को देखेंगे, ग्राउंड, लैंड, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं, यानी कि एक प्रकार के भूमि जहाँ पे किसी का अधिकार चलता हो, शासन चलता हो। नेक्स्ट है एट नंबर कम अप, यह भी एक फ्रेज है, कम अप यानी कि घटित होना, कोई घटना का घटित होना, कोई कार्य का होना किसी निश्चित समय से, तो उसी को कहते हैं कम अप फ्रेज।
यानी साइनोनिम्स एराइज, अक्यूर, इमर्ज यानी घटित होना या फिर प्रदर्शित होना, तो इसी के लिए यूज करते हैं कम अप फ्रेज का। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है 9 नंबर टैक्टिकल, यानी कि योजनापूर्ण। जब कोई आप काम को अंजाम देने की कोशिश करते हो तो उसके लिए आप योजना बनाते हैं, कोई एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी, तो उसी को कहते हैं टैक्टिकल। साइनोनिम्स देखें तो कैलकुलेटेड, प्लान्ड, प्लॉटेड, यानी कि पूरी तरह से प्लान्ड किया हुआ, कैलकुलेटेड अच्छी तरह से उसे कैलकुलेट करके, यानी कैसे कैसे इसी को करना है, तो ये हुए इसके साइनोनिम्स। नेक्स्ट है 10 नंबर फ्रेज है क्लोज द गैप, इडियम है और यह भी एसएससी में पूछा हुआ फ्रेज है, इडियम है। इट मीन्स टू रिड्यूस ए डिफरेंस बिटवीन थिंग्स, यानी कि जैसे कि दो वस्तुओं की दूरी, दो पर्सन या फिर कुछ भी, दो नाउन कुछ भी हो, उनके बीच की जो दूरी है इसे कम करना, तो उसी को कहते हैं क्लोज द गैप या फिर फिल द गैप। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स या काफ़ी इजी वर्ड है, यानी कि औपचारिक शिष्टाचार या फिर औपचारिक जो कार्यविधि जिसको कि करने के लिए कोई करता है, औपचारिक यानी कि उसे बस करना है, वो आप पे लागू होता है। साइनोनिम देखें तो इटिक्विट और फॉर्मेलिटीज़, यह इंपॉर्टेंट वर्ड है। इटिक्विट यानी इसका मतलब शिष्टाचार होता है और इसका मतलब औपचारिक शिष्टाचार, प्रोटोकॉल के भी साइनोनिम्स में इसका यूज कर सकते हैं। फॉर्मेलिटीज़ यानी कि आपको कोई कार्य करना है तो करना है बस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। लॉन्ग लास्टिंग यानी कि लंबा समय तक, टिकाऊ, लंबे समय तक चलने वाले चीज को लॉन्ग लास्टिंग कहते हैं। साइनोनिम्स देखें तो इंड्यूरिंग, लॉन्ग लिविंग या फिर मतलब कि लॉन्ग लास्टिंग जो ज़्यादा समय तक चलता है उसी को कहते हैं टिकना, बने रहना लंबे समय तक। नेक्स्ट है 14 नंबर स्टेटस क्यूओ, एक ऐसा वर्ड है जिसका मोस्टली पॉलिटिक में यूज किया जाता है। द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स स्पेशली रिगार्डिंग सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज, यानी कि सोशल और पॉलिटिकल क्षेत्र में इसका स्टेटस क्यूओ का वर्ड का यूज किया जाता है, तो इसे आप बस ध्यान में रखेंगे, ये पूछा नहीं जाता है एग्जाम्स में। 15 नंबर है बफर जोन, या बफर जोन आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है, बफर जोन होता क्या है। तो ए न्यूट्रल एरिया, एक न्यूट्रल एरिया, न्यूट्रल समझते हैं, न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल यानी कि जहाँ पे किसी प्रकार की कोई आधिपत्य की संभावना ना हो, ए न्यूट्रल एरिया सर्विंग टू सेपरेट होस्टाइल फोर्सेज और नेशंस, जैसे यह एडिटोरियल था इंडिया और चाइना बेस्ड पे था, जो चाइना रोड बना रहा था इंडिया के क्षेत्र में, तो उसी को लेके इसमें क्या क्या डिस्प्यूट चल रहा है, तो बफर जोन वही क्षेत्र बोला जाता है जहाँ पे कि एक न्यूट्रल एरिया, जहाँ जैसे कि इंडिया का भी अधिकार, इंडिया भी अपना अधिकार मानता हो, उधर से चाइना भी अपना अधिकार मानता हो, इंडिया का है लेकिन चाइना अधिकार मानता हो, इस प्रकार के क्षेत्र को एक न्यूट्रल एरिया होता है, जो दुश्मनी के लिए भी, जैसे इंडिया और चाइना में संबंध अच्छे नहीं हैं, तो उसके लिए यूज किया जाता है बफर जोन, उस प्रकार के क्षेत्र के लिए जो न्यूट्रल एरिया होता है। नेक्स्ट वर्ड है 16 नंबर टेक प्लेस या फ्रेज है, यानी कि टेक प्लेस यानी कि घटित होना, इसका भी मतलब होता है कोई कार्य का घटित होना, किसी कार्य के होने की संभावना होती है, यानी हैपन, अक्यूर, कम अबाउट, ये सब इसके साइनोनिम्स हो जाएंगे टेक प्लेस के, अक्सर इसका यूज किया जाता है सेंटेंस में। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है अनरिजॉल्वड। अनरिजॉल्वड यानी कि जिसे सॉल्व नहीं किया जाए, इसका एक साइनोनिम्स होता है अनसॉल्वड, जिसको सॉल्व नहीं किया, अनिराकरणीय, अनिराकरणीय जिसका निराकरण ना हो सके, जो कि सॉल्व नहीं किया जा सके, उसी को कहते हैं अनरिजॉल्वड। साइनोनिम देखें अनसेटल्ड, अनडिसाइडेड, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है 18 नंबर डिस्प्यूट। डिस्प्यूट कई कई बार एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया वर्ड है, इसका मतलब होता है विवाद या फिर झगड़ा, जैसे कि इंडिया चाइना में अभी चल रहा है, तो इससे याद रखेंगे डिस्प्यूट, डिबेट, डिस्कशन, डिस्कोर्स, यानी वाद विवाद चलते रहता है, झगड़ा किसी बात को लेके, तो उसी के लिए यूज करते हैं डिस्प्यूट वर्ड का, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट है 19 नंबर इनफोर्स। इनफोर्स यानी कि बाध्य करना, किसी को कोई कार्य करने के लिए बाध्य करना या फिर कोई नियम लागू करने के लिए, तो एक्चुअली इसका यूज़ नियम के लिए भी किया जाता है, तो इसीलिए इम्पोज, अप्लाई एंड कैरी आउट, ये तीनों वर्ड पूछे गए वर्ड है एग्जाम्स में, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है 20 नंबर डी स्क्लेसन। डी स्क्लेसन
इट मीन्स रिडक्शन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट और पोटेंशियली वायोलेंस सिचुएशन, यानी कि जैसे कहीं वायोलेंस की सिचुएशन हो, हिंसा बढ़ रहा हो किसी क्षेत्र में, तो उसको रिड्यूस करना यानी कि उसे कम करना, कम करने की प्रक्रिया को ही डी एस्केलेशन कहते हैं, कम करने की प्रक्रिया। आप जानेंगे रिड्यूस यानी कि कम करना, तो कम करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, डी एस्केलेशन। क्या चीज़ कम करने की प्रक्रिया, तो हिंसा वाद विवाद लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट ये सब को कम करने की प्रक्रिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है 21, नॉर्मलेसी, यानी कि सामान्य स्थिति, नॉर्मल स्थिति में होना, जैसे कोई नॉर्मल स्थिति में पहुंचता है तो उसी को कहते हैं नॉर्मलेसी। साइनोनिम्स रूटीन, ऑर्डर, रेगुलरली, यानी कि अपने समय अवधि के अनुसार अब चलने लगना। जैसे कोई बीमार पड़ जाता है तो उसका रूटीन सब गड़बड़ा जाता है। बीमार से जब धीरे धीरे वह स्वस्थ होता है तो वह क्या आता है, नॉर्मलेसी में, सामान्य की स्थिति में। सामान्य की स्थिति में आके रूटीन अपना, ऑर्डर, रेगुलर सब मेंटेन कर लेता है। नेक्स्ट वर्ड है assertion, इट मीन्स कि कुछ पता लगाना। एक अनसर्टेन होता है तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, अनसर्टेन यानी कि अनिश्चित होता है, और assertion यानी कुछ पता लगाना, कुछ खोजना, जांच पड़ताल करने के लिए हम assertion वर्ड का यूज करते हैं। synonyms देखें तो find out, discover, work out, ये सब इसके synonyms है। discover और found out से याद रखेंगे assertion को, इसका मतलब खोजना, पता लगाना, ये ईजी वर्ड है। तो किसी भी टफ वर्ड को याद करने के लिए उसके साथ ईजी वर्ड को जोड़ के आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंटायरली, यानी कि संपूर्णतया, पूर्णतया, जितना सब कुछ है उतना, उसी को कहते हैं इंटायर से इंटायरली बना है, यानी कि पूर्णतया, यानी होलसम। साइनो देखे तो कम्प्लीटली, यानी कि एकदम एब्सोल्युटली कम्प्लीटली, पूर्णतः, जो भी है, जो कुछ भी है, सब कुछ। नेक्स्ट वर्ड है सेटबैक, 24। नेक्स्ट जो वर्ड है सेटबैक, यानी कि यह फ्रेज है विलंब करना के लिए, हम सेटबैक फ्रेज का यूज करते हैं। यदि इसका नाउन के रूप में यूज करें तो अर्थ बदल जाता है। तो सेटबैक यहाँ पे फ्रेज है। साइनोनिम्स देखें तो होल्ड डाउन, डिलेड, रिटार्ड, और ये होल्ड डाउन, डिलेड, ये सब पूछा हुआ वर्ड है SSC के एग्जाम्स में। प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी आप देखेंगे तो ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये था सेटबैक, यानी कि विलंब करना, लेट करना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे आज का द हिंदू वर्ड, हिंदू एडिटोरियल के वर्ड लिस्ट समाप्त होता है। टोटल 24 वर्ड्स थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट www.editorialvocabs.com पे विजिट कर सकते हैं। और हमारे इस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल का नाम है इंग्लिश वेब एकेडमी। यहाँ पे डेली आपको ग्रामर के कुछ रूल्स, प्रैक्टिस सेशंस, प्रीवियस ईयर वोकैब्स, द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी, और अभी शुरू करने वाले हैं HC हार्डविक के वर्ड मीनिंग्स को भी। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे इस चैनल को, और कोई क्यूरी हो तो यहाँ पे हमें संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एंड वेबसाइट। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। देन थैंक यू।